हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो? घर पे सेफ हो ना? घर पे ही रहना है, घर पे ही रहना है और पढ़ना है। अभी बाहर नहीं निकलना है। अभी कोरोना की वजह से सब बिगड़ा हुआ है, सो स्टे एट होम। ठीक है, पढ़ो, एंजॉय करो, घर पे डिफरेंट एक्टिविटीज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सेफ रहो। तो फ्रेंड्स, हमने अभी तक चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड चैप्टर नंबर सेकंड देखा। आज चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं हम, राइट? जो आपको पता ही है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था, कोरोजन एंड इट प्रिवेंशन। ठीक है, फर्स्ट दो लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो बिंदास आप कमेंट कीजिए, ठीक है, कांटेक्ट कीजिए कोई भी प्रॉब्लम हो। तो आज हम देखते हैं कोरोजन ऑफ मेटल एंड इट्स प्रिवेंशन। गुजराती में आपणे केवुं होय तेवुं कही शकीए, क्षारण अने तेनुं रक्षण। अब ये थोड़ा केमिकल वर्ड है, कोरोजन, क्षारण। प्योर लैंग्वेज में अगर हम बोलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? रस्ट, राइट? आपणे एने शुं कहीए देशी भाषामां? काट लागवो, सिंपल। हवे खबर पड़ी गई क्षारण एटले शुं? सिंपल, शुं लागवो? काट लागवो। फॉर एक्जाम्पल, नवुं घर बनाव्युं छे, लोखंडनी तमे जारी फिट कराई अथवा बारी फिट कराई, पण एमां तमे रंग नहीं करावो तो एक वर्ष पछी शुं थशे? काट लागशे, सिंपल, बराबर छे, राइट? कोरोजन, अगर कुछ भी आप नया बनवा रहे हो और उसमें आप लोखंड आयरन का यूज कर रहे हो, ठीक है, अगर उसके ऊपर हम कलर नहीं करते, कोई भी मेटल यूज कर रहे हो, ठीक है, अगर उसके ऊपर हम कलर नहीं करते तो क्या होता है? आफ्टर 1 ईयर या तो 6 महीने के बाद क्या हो जाता है? उसके ऊपर रस्ट आपको दिखता है क्लियरली, ठीक है। आप हाथ से वो अगर उसको पास करोगे तो ब्राउन कलर लग जाएगा हाथ में, तो इट इज नथिंग बट द रस्ट। तो वही हमें पढ़ना है कि कोरोजन क्या है। तो सबसे पहले आज इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, कोरोजन की डेफिनेशन क्या है। फंडा तो पता चल गया क्या पढ़ना है हमें इस चैप्टर में, कोरोजन, राइट? तो उसको केमिकली कैसे डिफाइन करते हैं वो देखते हैं। चलो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि रस्ट जो लगता है, जो काट लागे जाए, वो किस वजह से लग रहा है? तो आप बोलोगे कि सर, कोई भी मेटल को बहुत लॉन्ग टाइम तक, बहुत ही लंबे समय तक अगर हम एटमोस्फियर में रखते हैं, राइट, एटमोस्फियर में रखते हैं, तो क्या एटमोस्फियर में क्या होता है? सारे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सब कुछ होता है, बट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो रस्ट लगता है, आप सभी को पता है। तो सिंपल है, पहला हमारा फंडा क्या है कि कोरोजन किसकी वजह से हो रहा है? तो एक तो बहुत ही लंबे समय तक हम क्या करते हैं, उसको एटमोस्फियर में रखते हैं, कोई भी मेटल को, लोखंड ने बहुत लांबा समय सुधी आपणे शुं राखीए, वातावरण में राखीए, तो शुं थाय? काट लागे, एवं आपणने खबर छे। बीजू, कोई पण वस्तु ने पाणी में वधारे वखत राखीए, कोई पण वस्तु मीन्स के मेटल, राइट, लोखंड ने आपणे वधारे टाइम पाणी में राखीए तो पण शुं थाय? काट लागे। एनु बेस्ट एक्जाम्पल, वरसादमां तमे साइकलिंग करी छे, बधाए साइकल चलाई छे, वरसादमां साइकल चलावो, वरसाद पछी शुं थई जाय छे? चेन जे साइकલની હોય એની પર કાટ લાગી જાય છે, માટે આપણે શું કરીએ છીએ? ઓઇલિંગ। हम सबको पता है कि साइकिलिंग हम करते हैं, ठीक है, अगर आफ्टर मॉनसून हम देखें तो मुझे क्या करवाना पड़ेगा? चेन में ऑयलिंग करवाना पड़ेगा। तो दो चीज से होता है, ठीक है, एक तो केमिकल रिएक्शन है और दूसरा क्या है? एटमॉस्फेयर। तो इसके सिंपल डेफिनेशन अगर मुझे देना है तो मैं क्या कर सकता हूं कि डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल ड्यू टू एटमोस्फियर, या तो हम ऐसा बोल सकते हैं एटमोस्फियरिक कॉन्टेक्ट और केमिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिकल भी यहां पे बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हम पढ़ेंगे क्यों। डिस्ट्रक्शन यानी क्या? जो उसका ओरिजिनल वेट था वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। जैसे ही हम वो ब्राउन रंग, उसका मीनिंग क्या है कि वो मेटल धीरे धीरे कम हो जाती है, तो हम बोल सकते हैं कि डिस्ट्रक्शन, और इसको ऐसे भी बोलते हैं डीके ऑफ मेटल ड्यू टू एटमोस्फियरिक कॉन्टेक्ट और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, इट इज नथिंग बट द कोरोजन। जो हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं वही चीज मुझे यहीं पे लिखनी है। गुजराती में लखो तो कई रीते लिखी सके? वातावरण ना संपर्क थी अथवा अथवा शू विद्युत रासायनिक प्रक्रिया थी, अथवा तो रासायनिक प्रक्रिया लखशो तो पण कोई प्रॉब्लम नहीं, विद्युत रासायनिक प्रक्रिया थी धातुनो काट लागू,
एने आपणे शुं कहीशुं सिंपल कोरोजन। इसके बहुत सारे टाइप है, इसके टाइप है कोरोजन के, एटमोस्फियरिक कोरोजन है, फिर क्या है दूसरा पिटिंग कोरोजन है, वाटर के लिए कोरोजन है। तो हम क्या करते हैं अभी वन बाय वन सारे टाइप देखते हैं। तो आज हम सबसे पहला टाइप देखते हैं एटमोस्फियरिक कोरोजन, राइट। बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, एटमोस्फियरिक कोरोजन तीन ही स्टेप में आपको पता चल जाएगा कि ये मैकेनिज्म कैसे होती है। देखो बहुत ही सिंपल है, सबसे पहले मैं इन जनरल मेटल के लिए क्या ले लेता हूं, एम ले लेता हूं। हमने सेकंड चैप्टर में ऑक्सीडेशन प्रोसेस पढ़ा, किसी भी चीज को अगर मैं लॉन्ग टाइम तक एटमॉस्फेयर में रखता हूं या तो मैं ऐसा बोलूं कि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जब आता है तो वहां पे उसका क्या होता है, ये एम फॉर मेटल है, मैंने मेटल के लिए ले दिया है। तो क्या होगा, एम गिव्स इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, रिमूव हो गए, और वो क्या बनेगा, पॉजिटिव आयन। तो मैं यहां पे अगर दो है तो दो इलेक्ट्रॉन, थ्री है तो क्या लिखूंगा, थ्री इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या है कि जब भी मैं किसी भी चीज को या तो मेटल को मैं एयर में रख रहा हूं, एटमॉस्फेयर में रख रहा हूं, तो सबसे पहले उसका ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन प्रोसेस मैंने बोला था कि ऑलवेज ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, लिबरेट होते हैं, सिंपल। अब एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर का है, ये दो इलेक्ट्रॉन वो क्या करता है, गेन करता है, और इट बिकम्स टू माइनस। देखो रटना नहीं है, जो प्रोसेस हो रहा है वही लिखना है। मेटल है, मेटल इलेक्ट्रॉन दे रहा है, उसके लिए क्या बन रहा है, पॉजिटिव चार्ज। तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, मेटल गिव्स टू इलेक्ट्रॉन एंड इट बिकम्स टू पॉजिटिव। और यही दो इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा है, एटमोस्फियर में जो ऑक्सीजन है वो। तो ऑक्सीजन गेन टू इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट टू इलेक्ट्रॉन एंड इट बिकम्स टू माइनस। तो ये दोनों के बीच में प्रोसेस होगा। अब देखो बहुत सिंपल है, ये दोनों हुआ, जैसे हमने आयनिक बॉन्ड में पढ़ा था, ये दोनों के बीच में प्रोसेस होगा और ये क्या बनेगा, MO, जिसको मैं क्या बोल सकता हूं, मेटल ऑक्साइड, राइट। कोई भी मेटल यहां पे ले सकता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे Fe ले लिया, तो क्या होगा, Fe 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पता चल रहा है, राइट। ये दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन क्या करेगा, गेन करेगा, तो इट बिकम्स O2 माइनस। और तीसरा प्रोसेस ये दोनों का अगर मैं देखूं, ठीक है, किसके बीच में होगा, देखो Fe2+ और ये दूसरा क्या आएगा, O2-, सिंपल मेटल की जगह पे मैंने क्या ले लिया, फेरस। तो Fe M2+ है, तो Fe2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का रिएक्शन सेम, ये हो रहा है रिडक्शन, ये हो रहा है ऑक्सीडेशन, वो जो बेसिक कंसेप्ट है हमारे दो। तो क्या होगा, Fe2+ प्लस O2- becomes FeO, means ferrous oxide, जिसको ही हम क्या बोलते हैं, रस्ट, Fe2O3 या तो FeO, जिसको हम बोलते हैं रस्ट, जो फॉर्म होता है और धीरे धीरे निकलता है, यानी मेटल क्या होता है, उसका वेट कम होता जा रहा है। तो ये सिंपल फर्स्ट मेरा टाइप था एटमोस्फियरिक कोरोजन। तो आज के लेक्चर में मैंने क्या देखा, कोरोजन क्या है, और दूसरा क्या देखा, एटमोस्फियरिक, यानी कोई भी मेटल को अगर हम एटमोस्फियर में रखते हैं तो कौन से तीन मैकेनिज्म है, किस तरीके से उसका क्या होता है, कोरोजन होता है। तो ये तीन चीज हमने सबसे पहले देखी, सिंपल है, दो ही प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन प्रोसेस यानी इलेक्ट्रॉन लिबरेट हो गए, रिडक्शन में जो लिबरेट हुए इलेक्ट्रॉन वो क्या हो गए, गेन करेगा। तो कोई भी मेटल को मैं एयर में एटमोस्फेयर में रख देता हूं तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस, जितना भी यहां पे है उतना ही इलेक्ट्रॉन यहां पे होगा, वही इलेक्ट्रॉन एटमोस्फियरिक ऑक्सीजन, वातावरण नो जो ऑक्सीजन है, त्रण प्रोसेस से सौथी पहला शुं थशे, आनु ऑक्सीडेशन, आ बे इलेक्ट्रॉन जे छूटा पड़े ए ऑक्सीजन शुं करशे, गेन करी लेशे, एटले आ प्रोसेस शुं थई गयो, रिडक्शन। अने पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ऑपोजिट ऑलवेज अट्रैक्ट, आप सबको पता ही है, ऑपोजिट में ही क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो प्लस और माइनस, इट बिकम्स मेटल ऑक्साइड, जिसको हम रस्ट बोलते हैं। इसकी जगह पे मैं कोई भी एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है, Fe ले लूं या कोई भी कॉपर ले लूं, कोई भी, सेम प्रोसेस है, ठीक है। तो ये तीन मैकेनिज्म, अगर एटमॉस्फेरिक कोरोजन आता है आपको एग्जाम में 4 मार्क्स में, तो ये तीन मैकेनिज्म लिख के बता देना है कि फर्स्ट प्रोसेस कौन सा हो रहा है, सेकंड कौन सा हो रहा है, और अपोजिटली चार्ज अट्रैक्ट होके क्या हो रहा है, तीसरा प्रोसेस कौन सा हो रहा है। तो आज हमने ये पहला टाइप देखा, एटमॉस्फेरिक कोरोजन, ठीक है। उसके बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के सारे धीरे 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 वन बाय वन
कौन कौन सी टाइप से कोरोजन होता है वो हम देखेंगे। कोई भी डाउट हो आपको तो बिंदास पूछो, ठीक है। डेफिनेशन एंड फर्स्ट स्टेप कोरोजन का, टिल देन एंजॉय।